दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आपको पता होगा एक रिविल सिविल टेप नाम से ये बहुत मशहूर है। दोस्तों इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये सबको पता नहीं है, बस आपको पता है कि ये बिना रफू का और बिना तुरपे का ये इस्तेमाल किया जाता है सूटों में वगैरह वगैरह, बहुत सा इसमें काम आता है। लेकिन दोस्तों कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, किस कपड़े में इस्तेमाल करना चाहिए, इससे अगर आपको प्रॉब्लम होता है सूट में, सूट का लाइफ हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। तो जो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि किस कपड़े में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये कॉटन कपड़ा है, देखिए कॉटन प्रिंट भी हो सकता है, कॉटन प्लेन भी हो सकता है। फर्क ये रहेगा प्लेन कपड़े में आपका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए ये कॉटन कपड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इस टाइप के कपड़े में मैं पहले आपको कपड़ा दिखा दूं। देखिए इस टाइप के कपड़े में जो अभी हमने आपके आगे रखा है, इस टाइप के कपड़े में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेप का इसमें बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। मैं आपको दो कपड़े में इसका इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं इस टाइप के कपड़े में। ठीक है, और हमने आपको बता दिया ये कॉटन कपड़ा है, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है किस कपड़े में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कपड़ा काफ़ी पतला होता है और प्लेन होता है। दोस्तों इस टाइप के कपड़े में आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये येलो है ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस टाइप के कपड़े में। अगर इसमें आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो कपड़ा जैसे कि ड्रेस की बात करते हैं वो लूज होना चाहिए, जैसे कि नीचे घेरा का दामन जिसे बोलते हैं उस जगह पे कट हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्कर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, गाउन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जिस पॉइंट में कटा हुआ है और उस पॉइंट में लूज है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया स्कर्ट टाइप के, तो उसमें ये कपड़ा का अगर बना है आपका स्कर्ट तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सूट में इस्तेमाल करना चाहते हैं सेम कपड़े का, जैसे कि फिटिंग में हिप या कमर के पास, तो दोस्तों ये कलर तो चेंज हो गई पहनने के बाद, ये जो आपने इसको रिपेयर करेंगे वो हट जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता है। हम ये सब सारा जो मैं आपको बताऊँ ये हमारा साथ दुकान में ऐसे प्रॉब्लम होता रहता है, मैं इससे वाकिफ़ हूँ, मुझे बेहतर तरीके से मुझे पता है, सिर्फ आपको हम पे यकीन करना है। तो आपको मैं दो तरह के कपड़े में आपको चेक करके भी बताऊंगा कि इसमें क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, एक ये कपड़ा ले लेता हूं मैं, और हमने आपको बताया एक इस टाइप के कपड़े, दो में हम कट लगा के हम आपको यकीन दिलाएंगे, क्योंकि ऐसे तो आपको यकीन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमने कट लगाया है और हमने एक ये कपड़ा लिया है और इस पर हमने ये टेप, हमने सेम जितना बड़ा हमारा कट है उतना बड़ा आपका ये कपड़ा हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं। अगर कपड़े का खराब इस तरह से है, अगर कट इस तरह से है जो कपड़ा लेंगे तो वो भी इसी तरह से होना चाहिए, नहीं तो आपका फर्क ज़्यादा हो जाएगा, कलर ज़्यादा चेंज हो जाएगा। हमने टेप इसके ऊपर रखा है, कपड़ा नीचे है, और सूट का आपका जो फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट होगा इसमें उल्टा सीधा होगा, तो दोस्तों सीधा आपका ऊपर होना चाहिए और ये नीचे से रखेंगे। टेप अभी ऊपर है, कपड़ा नीचे है, सूट का सीधा पार्ट ऊपर है, ठीक है, इस तरह से कट है, इसको हम इस तरह से टाइट करेंगे, ये जो कटा हुआ है आपस में चिपक जाना चाहिए
इस प्रकार, और इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेस नहीं रखेंगे क्योंकि प्रेस गर्म ज़्यादा हो सकता है और इसमें जो टेप होता है वो पिघल जाता है, तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। नहीं तो इसके इसलिए हम सेफ्टी के लिए एक कपड़ा लेंगे, कॉटन लाइनिंग भी चल सकता है, इसके ऊपर हल्का सा रखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद नीचे की साइड इस तरह से दिखेगा और बाहर के साइड ये इस तरह से दिखेगा। प्लेन कपड़ा में यही फ़र्क होगा दोस्तों, आपका ये कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए इस कपड़े में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करना भी चाहिए तो वो एरिया लूज होना चाहिए स्कर्ट के जैसा, उसमें क्योंकि लहंगा स्कर्ट में जो काफ़ी घेर होता है उसमें ये पता नहीं चलेगा। अगर ये आप ऊपर से कपड़ा नहीं रखेंगे ये कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा, नज़दीक से दिखाऊं, ये सही नहीं लगता। ये अगर समझ ले आपका नेक के पास आ जाए तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैं आपको दूसरा कपड़ा में दिखाऊं, नज़दीक से दिखाओ दोस्तों, इस टाइप के कपड़े में आपका बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं इसका रिपेयरिंग। देखिए, इस टाइप अगर आपका फट जाए कपड़ा तो इसमें डबल टेप कुछ नहीं कर सकता, रफू ही करना है, नहीं तो आपका सूट या कोई भी चीज़ हो उसका लाइफ ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कट जो लगा हो उसी में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा।